साल 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें तीन दोस्त रैंचो फरहान और राजू ने पढ़ाई करके तरीके और अपने एम को लेकर अलग ही मिसाल कायम की थी, जिसे देखना दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं। और इन तीनों दोस्तों की फ्रेंडशिप को देखते हुए ये फिल्म आज तक दर्शकों की फेवरेट है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज फिल्म को बीते कई साल हो चुके हैं और गुजरे इन सालों में फिल्म में नजर आए रैंचो फरहान और राजू आज काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें आज आप देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके आज के हालातों से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी ये तीनों कलाकार आज साल 2023 में कैसे दिखाई देते हैं और क्या कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करें फिल्म में रैंचो का किरदार निभाते नजर आए अभिनेता आमिर खान की, जिनका जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1973 में फिल्म यादों की बारात से की थी। साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक में आमिर खान को मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला, जिन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों का दिल जीता और ये सभी के फेवरेट बन गए। जिसके बाद इनकी एक के बाद एक फिल्म देखने को मिली, जिसमें राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह आमिर खान फिल्म में काफी यंग स्टूडेंट के लुक में जीन्स टी शर्ट पहने काफी हैंडसम नजर आए थे, तो वहीं आज ही अपने 57 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और आज आमिर खान पहले से काफी ज्यादा एजेड नजर आते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिन्हें ज्यादातर फॉर्मल ड्रेसेस पहने ही देखा जाता है। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें इन्होंने अब तक दो शादियां की हैं और इनकी दोनों ही शादियां असफल रही और उन दो शादियों से इनके तीन बच्चे हैं, जहां अभी अभिनेत्री फातिमा सना शेख के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनसे ये बहुत जल्द शादी रचाने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आमिर खान ने फिल्मों से संन्यास ले लिया है, जो अब एक्टिंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फिल्म में फरहान कुरैशी का किरदार निभाते हुए नजर आ चुके अभिनेता आर माधवन की, जिनका जन्म 1 जून 1970 को मुंबई में हुआ था। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी, जिसके बाद उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हुए इन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन फिल्मों में तेनुवेड्स, मनु, थ्री इडियट, साला, खड़ूस जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह फिल्म में फरहान कुरैशी एकदम यंग स्टूडेंट लुक में नजर आए थे, जहां ये हमेशा शर्ट पैंट जींस में दिखाई देते थे और इन्होंने फिल्म में चश्मा भी लगाया हुआ था, तो वहीं आज ये अपनी 52 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और ये पहले से काफी ज्यादा एजेड नजर आते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और ये हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस ही कैरी करते हैं, तो वहीं इनके फेस पर काफी हैवी बियर्ड भी दिखाई देते हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आपको बता दें इन्होंने साल 1999 में सरिता बिरजे से शादी रचाई थी। आज इनका एक बेटा है, वेदांत महाधवन। इसी के साथ आपको बता दें ये आज भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव है, जिन्हें रॉक 3 द नबी इफेक्ट में देखा गया था। अब बात करते हैं फिल्म में राजू का किरदार निभाने वाले अभिनेता सरमन जोशी की, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुआ था। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें इन्होंने साल 2000 में आई फिल्म रंग दे बसंती से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद इन्हें उसी साल गोलमाल फिल्म में भी देखा गया और गोलमाल फिल्म में भी इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस देखते हुए इनकी काफी ज्यादा तारीफें हुई और इसलिए इन्हें इसके बाद फिल्म एक्सक्यूज मी, लज्जा और ढोल जैसी फिल्मों में भी देखा गया। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह सरमन जोशी फिल्म में काफी यंग स्टूडेंट के किरदार में जीन्स और कुर्ता पहने बेहद सिंपल लुक में नजर आए थे, तो वहीं आज बीते इन सालों में इनकी उम्र 43 साल हो चुकी है और आज ये पहले से काफी ज्यादा एजेड और हेल्दी नजर आते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां आज ये जीन्स और शर्ट पहने नजर आते हैं और इनका हेयर स्टाइल भी इन्हें और भी ज्यादा हैंडसम बना देता है। वहीं एक नजर डाले इनकी पर्सनल लाइफ पर, तो इन्होंने साल 2000 में प्रेरणा चोपड़ा से शादी रचाई थी, जिनसे आज इनके तीन बच्चे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल ये एक्टिंग की दुनिया से दूर है, जिन्हें आखिरी बार साल 2021 में फिल्म बबलू बैचलर में देखा गया था। वेल दोस्तों, आप रैंचो फरहान और राजू के आज के हालातों से रूबरू होकर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।